1932 खतियान का मांग एक बार फिर से तेज हो रहा है। आपको बता दें कि झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में खतियान बचाओ महाजुटान का ऐलान किया गया। आज पुराने विधानसभा में राज्य के कोने कोने से 1932 खतियान की मांग को लेकर पहुंचे आदिवासी समाज ने भी कहा कि खतियान नहीं तो वोट नहीं। वहां पहुंचे लोगों का यह भी कहना था कि जब अन्य राज्य में स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाती है तो यहां पर 7:40 क्यों। आज आदिवासी अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, लेकिन सरकार अपने एसी वाले कमरे में बैठकर मजा ले रही है। हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा अगर 1932 लागू नहीं होता है तो। अब जब आदिवासियों की उनकी स्थानीय नीति 1932 खतियान के आधार पर लागू करने की बात हो रही है तो इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। अन्य पार्टियों के द्वारा इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आज आदिवासियों की राज्य में क्या स्थिति है, जबकि 1912 से ही आदिवासी अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं और जब उनको ये अधिकार मिला है तब उन्हें सरकारी नीति के द्वारा आज तक नजरअंदाज किया जा रहा। सुनिए और क्या कुछ कहा महाजुटान में पहुंचे लोगों ने। हटिया रेलवे कॉलोनी कल्याणपुर मौजा का मामला है, जहां के 1 एकड़ 43 डिसमिल जमीन है जो कि गैर ये आदिवासियों का है। वहां पुरखों से वहां पर खेती करते आया था, वो तीन साल करके वहां खेती करता था, लेकिन अभी थोड़ा शिक्षित होते गया और उस जमीन में सिर्फ एक ही लोग खेती करते रहा और एक ही लोग खेती करते करते उन लोग का कुछ समय लंबा हो गया, तो उन लोग अपना जमीन अपना अपने नाम पर उन लोग जमीन ऑनलाइन सिस्टम, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी करके वो उस देशवाली का जमीन को अपना नाम कर लिया है और अभी उन लोग बेचने पर उतारू हुआ है और वहाँ जैसे भी और प्रतिदिन वहाँ पर भू माफिया लोग जाता है और वहाँ कब्जा करने के मामले में वहाँ प्रतिदिन हथियार ले लेके वहाँ पर जाता है और वहाँ पर हथियार के बल पर हथियार का बल दिखाकर वह कहता है कि ये जमीन मेरा है और हम इसे बेचेंगे, आप गांव वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो प्रशासन से भी मिले हुए हैं, प्रशासन वालों को पैसा दे देते हैं और प्रशासन भी वहां कुछ नहीं करती है और पैसा और भू माफिया और दलालों के थ्रू उन लोग अपने आप को मजबूत दिखाते हैं और गाँव वालों की जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। जब से हम लोगों को मालूम है वो 5 टोला का गांव वो जमीन है जिसमें कि लड़का लड़की जो कुमारा लड़का लड़की होता था उनके लिए वो जमीन रखा गया था और उसी में तीन साल खेती करके उसी खेती से शादी ब्याह का जो भी खर्चा होता था या किसी भी पार्टी का खर्चा होता था उसी खेत का खेती से होता था खर्चा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।